दोस्तों ये पीछे देख रहे हैं ये बाबा का मंदिर है और यहाँ पे यदि आप आते हैं तो यहाँ पे लॉकर वगैरह आपको फोन जमा करने के लिए और जूते जमा करने के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन बैरागी में। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था आपको कि पहले मैं एक वीडियो शूट करूंगा डे का और डे वाला देखने के बाद से फिर मैं एक वीडियो शूट करूंगा नाइट में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देखना। और बाकी मेरे 5 दोस्त हैं वो बिछड़ चुके हैं फिलहाल, अभी रिकेश भाई हैं। तो रिकेश भाई, अभी जो नाइट का ये व्यू दिख रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा दृश्य है, हमें कहना है कि एक बार आप भी लोग आकर देखें जो वीडियो देख रहे हैं। तो यही इनका भी कहना है और मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ आए हैं, अगर नाइट में ये कॉरिडोर नहीं घूमे तो एक बार फिर से आए और नाइट में घूमे। तो सबसे पहले अगर कॉरिडोर में जैसे आप एंट्री करोगे तो कॉरिडोर में आपको यहाँ पे त्रिदेव देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल देखिए ये जो स्टंप लगे थे जो मैं दिन में दिखा रहा था, तो सारी लाइटें अभी जल चुकी हैं और काफ़ी खूबसूरत देखने को नज़ारा है और पब्लिक में भगदड़ मच चुकी है क्योंकि बारिश तेज हो चुकी है। दोस्तों अभी जो है कि बारिश बंद हो चुकी है लगभग, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत दिक्कत है, इतनी ज़ोर से बारिश हुई मुश्किल से 10 मिनट के लिए पूरी चारों तरफ पानी पानी हो गया और सारे लोग जो है कि जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ छुप गए थे। फिलहाल अभी सारे लोग निकल चुके हैं। अच्छे जो देख रहे हैं वो बहुत सारे शंभू के रूप में जो बनाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत गोल्डन कलर के हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का दृश्य है। सबसे पहले ये शिव जी हैं, उसके साथ ही साथ पीछे जो और भी छोटे छोटे मूर्तियाँ दिख रही हैं वो सारे जो है शंभू के अलग अलग अवतार या अलग अलग रूप कह सकते हैं वो बनाया गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पीछे देख रहे हैं ये बाबा का मंदिर है और यहाँ पे यदि आप आते हैं तो यहाँ पे लॉकर वगैरह आपको फोन जमा करने के लिए और जूते जमा करने के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप जहाँ रोड से एंट्री करते हैं कुछ सारे छोटे छोटे दुकान खोल रखे हैं जहाँ प्रसाद वगैरह देते हैं, तो वो भी आपका मोबाइल और जूते वगैरह जमा कर सकते हैं। और बारिश फिर से तेज़ हो गई है तो हमें फिर से छुपने के लिए कोई ना कोई जगह देखना पड़ेगा। फिलहाल हम जगह बहुत कम है, यहाँ पे हमें भाग के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जो है कि हम यहाँ पे कॉरिडोर में छुपे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जो है कि बारिश हर 10 मिनट में, आज शायद महादेव कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, हर 10 मिनट में बारिश झमाझम आ रही है और चली जा रही है। अभी हम 30% जो है कि बिक चुके हैं। फिलहाल आप पीछे देखिए तो अभी भी बारिश चालू है, जैसे बारिश बंद होती है हम वापस चलेंगे और आगे का कॉरिडोर दिखाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप मेरा वीडियो आगे देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आगे कुछ ऐसा भी है, बहुत खूबसूरत सूरत यहाँ पे स्टैचू बनाए गए हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियो बने रहिए, आगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है कि बारिश थोड़ी सी कम हुई है और इतने में हम कंफर्ट रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए और मेरे जितने दोस्त बिछड़े हुए थे यहाँ सारे मिल चुके हैं। तो एक बार प्यार से बोलो हर 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 हर। तो अभी फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो है कि छुपने के लिए यहाँ पे
कोई ऐसा जगह नहीं दिख रहा है क्योंकि सारा पूरा खाली खाली सा है। फिलहाल मैं भीगने ही वाला हूँ आज तो। दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं भीग भीग के। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के हर जगह टूर पे जाता हूँ घूमने के लिए और कुछ अच्छी अच्छी जगह पे हर बार नए नए कंटेंट लाता हूँ, ताकि आप भी देखो उस वीडियो को और आपको भी कुछ अच्छा लगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या आपको मेरे वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं उस कमी को दोबारा ना करूँ, उसे सुधार कर सकूँ। देख सकते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ काउंटर है, टिकट काउंटर है प्रसाद का, तो यहाँ देखिए लोग कैसे छुपे हुए हैं क्योंकि बारिश तेज़ हो चुकी है और मैं बारिश में भीग के आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। फाइनली बारिश जो है कि फिर से चालू हो चुकी है और हमें भागना पड़ेगा। और मैंने जो है कि यहाँ के जितने भी दृश्य हैं, कॉरिडोर से लेके जितने स्टैचू मूर्तियाँ वगैरह सारा मैंने कवर करा भीग भीग के। अभी मैं भीग चुका हूँ पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो मैं करता हूँ समापन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रखें। साथ ही साथ यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के नए नए कंटेंट मैं लाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ दिखाऊँ जो आपने नहीं देखा है। तो प्लीज़ इसके लिए आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। बोलिए हर हर महादेव।